लेकर आ रहे हैं जिसमें चैप्टर टू चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये कोर्स जो है हमारा 6 मंथ्स तक चलेगा, बिकॉज हमें 2 बुक्स कवर करनी है और हर किताब में 584 पेजेस रहेंगे। उसमें जो है आपको जितने उर्दू के शब्द हैं या जो पंडित जी ने कहना चाहा वो उसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन आपको पता चलेगी, ताकि आप आगे कुंडलीज पे लगा सको। क्योंकि ऐसी कई बारीकियां हैं किताब में, मैं इसको कितने सालों से पढ़ रही हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ मुझे कोई नया पॉइंट निकल के मेरे सामने आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई गैबी ताकत है जो आपको इस चीज को, इस विद्या को लेने को मजबूर करती है, ताकि आप दूसरों की मदद कर सको। ये जो किताब है ये कोई जादुई, काला जादू या कोई मंत्र तंत्र की किताब नहीं है। अगर जिन्होंने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ी है, जिन्होंने और फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है जो वैदिक से निकल कर आती है, जब वो लाल किताब को बारीकी से समझेंगे उनको अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो पॉइंट है हमारा ये आपको कहाँ से निकल कर आ रहा है। ये तो पंडित जी ने भी कहा बात, पंडित जी ने भी उसको जो है ग्रहों को 4 भागों में डिवाइड किया गया, पंडित जी ने भी दिशाएं बताई। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि लाल किताब आपसे ये कहती है कि शक्ल देख के तू पहचान लेगा कि सामने वाले की किस्मत क्या होगी। इतनी निशानियां पंडित जी ने हमें दी हैं। जब मैं छोटी होती थी और जब मैं छुट्टियों में पंजाब अपने दाद के जाया करती थी, तो जो हमारे घर में लाल किताब के जानते थे वो ऐसे ही शक्ल देख के पहचान जाते थे। कुछ कोई सवाल आपकी शक्ल देख के पूछेंगे और उसी में उनको उनका जवाब मिल जाता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये तो जादू है कि भाई आपने सामने वाले की शक्ल देखी, दांत देखे, पैर की उंगलियां देखी और आंखों की बनावट देखी, माथे की लकीरें देखी, सर के बाल देखे, हाथ के नाखून देखे। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि भाई तुझे ये तकलीफ है, तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में वैसा है, तो ये कैसे आपको। मैं कितनी बार अपने जो मेरे परदादा होते थे, बहुत बूढ़े थे, तो उनसे मैं पूछती थी कि आप ये कैसे करते हो। तो उन्होंने मेरे हाथ में किताब थमाई थी जो बहुत पुरानी कॉपी थी, जिसको मैंने एज अ स्टोरी रीड किया कि भाई उसमें उसको मैंने किरदार बनाए, किरदारों को मैंने उसमें डाल के, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे इसको सीखो तब तुम सीखोगी। तो ये जो कोर्स आ रहा है ये हम चैप्टर टू चैप्टर इसीलिए भी करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली सेम लाल किताब पता चले, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। आई एम सॉरी टू से कि हम लोगों को अंधविश्वास इतना डाल दिया जाता है या हमें इतना डरा दिया जाता है कि हम खुद ही डरने लगते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी डर के बैठते हैं, लाल किताब, ओ पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, मेरे घर में कितनी लाल किताब है। अगर आप उसको यूज करना जानते हो या आप उसके रूल्स के साथ रहना जानते हो तो आपको कुछ नहीं होएगा। पंडित जी ने हिदायतें दी हैं हमें, हमें प्रिकॉशंस दी हैं। इसी किताब में सारी 2 जो सेट्स हैं उनके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसमें सब चीजें आपको क्लियर मिलेंगी। अभी इस समय मैं वॉल्यूम 1 का पेज 2 देख रही हूँ, उसमें लिखा है फेहरिस्त मजामीन, यानी ये जो उर्दू वर्ड है इसका मतलब है कि पहला हिस्सा। ये जो किताब है इस नॉलेज का ये पहला हिस्सा है, इसमें आपको ग्रामर, मकान कुंडली, हाथ की रेखाएं, भाई किसी के पास आप कहीं बैठे हो, आपको जो है कुंडली नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और आपने सिर्फ उसका हाथ देख के उसको चीजें बतानी है, वो भी लाल किताब से है। शक्ल देख के बतानी है, वो भी लाल किताब से है। बाल देख के बताने हैं, वो भी लाल किताब से है। तो आप उसको कितना कुछ बता सकते हो। सिर्फ लाल किताब ही एक ऐसी नॉलेज है हमारे पास जो पंडित जी की देन है कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं, और इसमें ही उपाय हैं जो उपाय लाल किताब की कैलकुलेशंस पे ही बैठते हैं। अगर हम उसको वैदिक पे लगाना चाहेंगे या हम उसको केपी पे लगाना चाहेंगे या हम उसको और किसी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे लगाएंगे, तो हो सकता है
उसमें वो थोड़ा उपाय कम काम करे या कई बार काम ना भी करे। तो जो लोग इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है उनको क्या इससे हासिल होगा कि भाई वो जब कोई उपाय दे रहे हैं तो वो डबल चेक करके दे सकते हैं कि भाई आपने ये उपाय दे रहे हो सामने वाले को तो कहाँ से दे रहे हो, और ये वैदिक में आपने देख के दिया है तो क्या ये चीज सही बैठती है लाल किताब में, तो आपका उपाय 100% उसको असर करेगा। लोग कहते हैं कि ये रेमेडियल बुक है, ये रेमेडियल बुक नहीं है, ये आपको जीना, जिंदगी जीने का एक जरिया बताती है कि भाई आप कौन हो, आपका इस दुनिया में आप क्यों आए हो। हम लोग सब जो इस सोल को लिए बैठे हैं इस समय अपनी इस बॉडी में, हम सबके लिए कोई ऊपर वाले ने काम दिया है। अब वो काम आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, आपका इस वर्ल्ड में आके किसी के लिए करना हो सकता है, या अपने को बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो कारण है आपका आना, वो आपको लाल किताब सीधा सीधा बताती है कि भाई तू क्यों आया है इधर, तू यहां से कहाँ जाएगा, तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है, कौन से साल में तेरे साथ क्या होगा, तुझे उसको कैसे उसको संभालना है, या तुझे उसके लिए कैसे तैयार होना है, ये सब चीजें लाल किताब में साफ साफ लिखी हैं। लोग कहते हैं पहेलियां बुझाई गई हैं या उन्होंने कोई पोएट्री लिखी है, ऐसा नहीं है, उन्होंने साफ साफ संदेशा दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है जो मेरे प्रीवियस कोर्सेज थे उसमें जितने भी कोर्सेज हमने कंबाइन करके अलग अलग पार्ट्स में हमने प्रेजेंट किया, उसमें काफी चीजें ऐसी थी कि जो मिस हो जाती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, कोई ऐसी लाइन आ जाती है जो पूरा उसका मतलब बदल देती है और जिसको हम मिस कर जाते हैं। मार्केट में सिर्फ इसको एज अ रेमेडियल कहा के बेचा जाता है, अरे आपका गुरु जो है वो आठवें घर का है तो गले में सोने की चेन पहन लो, ऐसा नहीं है। गुरु आठवें घर का है, इस साल तेरे वर्ष फल में आठवें घर में गुरु आ रहा है, तो उसका एक रीजन है तेरे पीछे, तेरी इस उम्र में क्यों आया, पिछले साल भी आ सकता था, इसी साल क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जानने के लिए आपको लाल किताब बताएगी कि हर साल जो तेरा वर्ष फल आएगा वो तुझे क्या देके जाएगा, तेरे से क्या लेके जाएगा। अब उसमें लेना और देना तो हम माइनस एंड प्लस करके इक्वल तो नहीं ला सकते, ये तो हमारे पास ताकत ही नहीं है, मगर हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं या हम उससे थोड़ी सी रियायत पा सकते हैं। रियायत का क्या मतलब होता है कि भाई कंसेशन, कि भाई हम थोड़ा कंसेशन पा लेंगे ऊपर वाले से कि भाई माफ कर दो भगवान, अभी माफ कर दो, थोड़ा सा कम ले लो, या थोड़ा सा चलो आप कम दोगे हमें चलेगा, लेकिन हमें इस तरीके से मत देना। ये सारी चीजें सिखाती है हमें लाल किताब।